एमी पाजी कंग्रेचुलेशंस, योर फिल्म पुआड़ा इज डूइंग धमाल एट द बॉक्स ऑफिस। करीब 8.5 करोड़ रुपए फिल्म ने कमाए हैं, बहुत बड़ी ओपनिंग लगी है। कितनी खुशी की बात है कि सिनेमाज अभी अभी ओपन हुए हैं नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में। उम्मीद थी इतनी बड़ी ओपनिंग लगेगी फिल्म को? नहीं सर, इतना बड़ा नहीं सोचा था। हमारी फिल्म से पहले एक फिल्म रिलीज हुई है तुमका तुमका पंजाब में, उसने बड़ा मतलब अच्छा, उसकी अराउंड ओवरसीज और इंडिया का मिला के 3-3.5 दिन के करीब उस फिल्म का भी हुआ। उस फिल्म ने सर मतलब बहुत एनर्जी दी, पॉजिटिविटी दी उस फिल्म में। और लेकिन चलो, फिल्म तो हमारी रिलीज हो ही रही थी, लेकिन उसके एक वीक पहले हुई उनकी फिल्म हरदीप गरेवाल भाजी की, तो उस फिल्म ने पॉजिटिविटी दे दी। मतलब एक हफ्ता और मतलब अच्छे से प्रमोशन की फिल्म की, और मतलब जितनी मैक्स हो सकती थी बड़ी रिलीज करी करी हमने फिल्म। हालांकि मतलब एक तो पंजाब में 50% कैपेसिटी के साथ ओपन हुआ है सिनेमाज, और अभी ऑलमोस्ट नहीं 50% सिनेमाज में ही रिलीज हुई है फिल्म। आधे अभी मतलब जो छोटे शहर लगा लो, या मतलब एक दो बड़े शहर भी हैं उनके अभी थिएटर्स नहीं ओपन हो पाए, तो मोस्ट प्रोबली इस वीक या एंड ऑफ दिस वीक, मोस्ट प्रोबली नेक्स्ट वीक से वो भी शुरू हो जाएंगे। मतलब जितना हुआ है अप्रोक्स 8-8.5 जितना, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ओवरसीज की मेरी ये सबसे बड़ी हो गई है पिक्चर, ये मतलब वीकेंड जितना मतलब आज तक का सबसे ज्यादा हो गया इस फिल्म का। सो होपफुली आगे आने वाले दिनों में भी मतलब लंबी जाएगी फिल्म, ये उम्मीद करते हैं। और बाकी तो जिनके पैसे लगे हैं सर उनके पूरे होने चाहिए। पुआड़ा जो फिल्म है वो एक रोमांटिक कॉमेडी है। जब आप ये शूट कर रहे थे तो उस समय आपको लग रहा था जिन जोक्स पे आपको हंसी आ रही है ऑडियंस को भी हंसी आएगी उन सिचुएशंस पर? हाँ जी, हाँ जी, सेम ही होता है। जब आप सीन पढ़ते हो तो आपको समझ आ जाती है इस पे क्राउड हंसेगा। तो फिल्म के शूट के ड्यूरिंग भी बहुत हंसे थे सर, मतलब काफी सीन्स ऐसे थे जिसके मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, हंसी की वजह से 10-10-15-15 टेक हुए हैं। कभी कभार तो मतलब छोड़ दिया जाता था, अभी कल कर लेंगे, आज नहीं हो पाएगा, तो ऐसे मोमेंट्स भी आते थे। और फिल्म के चलते चलते आपको मतलब समझ तो आ जाती है मतलब किस फील्ड की फिल्म है, ये निकलेगी या नहीं निकलेगी, समझ आ जाती है आपको। फिल्म के शूट सेट पे पता चल जाता है। अगर सेट पे पॉजिटिविटी हो तो सर डेफिनेटली फिल्म वर्क करती है। अगर मतलब हिचकिचाहट है, वहां पे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा मतलब सेट पे एनर्जी नहीं है अच्छी, तो फिल्म नहीं वर्क करती सर। ट्रेलर देखने के बाद लगा पुआड़ा का ये तो पूरी की पूरी निकल जालदार की कास्ट है और बस सिचुएशन बदल ली गई है। जी जी जी, क्या आपको डाउट था कोई फिल्म साइन करने टाइम? ना सर, मतलब पंजाब में एक तो सर मतलब बहुत ज्यादा जो एक्टर्स नहीं है, मतलब कम है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है सर, मतलब वही गिन चुन के 6-7 एक्ट्रेसेस और वही 6-7 मेल हीरोज हैं, और 6-7 फीमेल और 6-7 जो मेल मतलब काम करते हैं, जो लीड पे आके काम करते हैं। सो सर मतलब साल में अगर मैं 3 या 4 फिल्में करता हूँ सर, तो रिपीट होते होते साल में एक आध मतलब 4 एक्ट्रेसेस के साथ करता हूँ, और नेक्स्ट ईयर फिर सर मतलब टाइम आ जाता है ऐसा, फिर सेम ही रिपीट करना पड़ता है। अगर आप सीरीज कर रहे हैं जैसे निकाह जालदार हमने सीरीज की है, तो उसमें तो है ही सोनम, अभी किस्मत हमने की है, किस्मत 1 की थी सरगुण के साथ, किस्मत 2 भी उसी के साथ है, तो वो भी लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उसका हमने टीजर कल रिलीज किया है, उसका मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। 4/24 को वो भी फिल्म रिलीज होगी, मतलब पहली किस्मत बहुत बड़ी गई थी, किस्मत गाना भी बहुत बड़ा गया था। सो सर भाई मतलब आपको घूम घुमा के आना ही पड़ता है ज्यादा, मतलब अगर लोग पेयर पसंद करते हैं तो डेफिनेटली सर वो करना ही चाहिए। मैं किस्मत के बारे में बात करूंगा, मगर मेरे को उससे पहले बात करनी है फिल्म के डायरेक्टर रुपेंद्र चहल के बारे में। जी जी, ये उनकी पहली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर। जी सर, उन्होंने ऑफ कोर्स इससे पहले फिल्में लिखी हैं, स्पेशली गुरदास मान स्टारर चक जवाना और हिंदी सुपरहिट कॉमेडी मुबारका स्टारिंग अर्जुन कपूर। कैसा रहा एक्सपीरियंस रुपिंदर शेर के साथ? सर बहुत ही प्यारे इंसान है, काफी फिल्में उन्होंने असिस्ट की हैं, काफी टाइम से इस लाइन में है, तो बहुत ही प्यारे इंसान है सर, बहुत कम बोलते हैं, बहुत ही अच्छे बंदे हैं वो, जेन्युइनली बहुत अच्छे बंदे हैं। वो डिजर्व करते थे सर, उनकी फिल्म जल्दी डिजर्व करते थे वो, और आगे भी मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं नेटफ्लिक्स की, शायद कोई सीरीज है उस पर काम कर रहे हैं, वो पंजाब में ही अभी, तो मतलब उनके लिए भी आगे बेस्ट विशेस हमारी तरफ से, उनको गुड लक फ्यूचर के लिए आगे। जब हम मतलब हो सकता है तो अभी प्रोड्यूसर से कॉल लिख हुई नहीं, ये बात हुई नहीं, तो अगर हो सकेगा तो सीक्वल सर इस फिल्म का भी दोबारा हम बनाएंगे पॉडर 2 का, और अच्छे से सर मतलब जब सब कुछ खुल जाएगा तब रिलीज करेंगे सर। ये आपकी 5वीं फिल्म है सोनम बाजवा के साथ, क्या ये कहना ठीक होगा कि आपकी और उनकी केमिस्ट्री इज आल्सो वन रीजन टू वॉच दिस फिल्म? हाँ जी, आप कह सकते हैं। सोनम के साथ मैंने काफी फिल्में की हैं, ऑलमोस्ट 5वीं या 6वीं फिल्म हमने शूट कर ली है अभी उसका। हाँ, उसका हो गया फिनिश शूट, अभी इंग्लैंड में करके आए थे आधा, और 2-4-5 दिन का पंजाब में शूट था, वो हमने फिनिश किया है। जेनरली लोग पसंद करते हैं सर, मतलब वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उसके साथ निकाह जालदार सीरीज है हमारी एक पूरी, और
कपूर उसके साथ मुकलावा फिल्म थी, और उसकी एक मैंने फिल्म प्रोड्यूस की थी गुडिया पटोले, और ये आप लगा लो ये क्वाड़ा हमारी पांचवी फिल्म थी। सो सर मतलब बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, लोगों को पसंद आती है, तो मतलब ऐसा ही लोगों को लगना चाहिए, मतलब सारे करेक्टर्स रियल लगने चाहिए। तो फिल्म है थोड़ी फिक्शन, इसमें अगर आप देखते जाके तो थोड़े फिक्शन कैरेक्टर्स हैं इसमें, लेकिन वो कॉमेडी में आ जाते हैं तो सर लोगों को अच्छी लगती है चीजें। यू नो एमी, अभी आप पंजाबी सुपरस्टार नहीं रहे, आप पैन इंडिया स्टार बन गए हैं सर, लोगों की वजह से। आर यू रियली ऑन क्लाउड 9 टुडे? बिकॉज यू नो आप ओटीटी पे भी हैं और आप थिएटर में भी हैं, थिएटर में पुवाड़ा चल रही है, ओटीटी में आपकी फिल्म भुज हाल ही में रिलीज हुई है, कैसा रहा रिस्पॉन्स उसका और कैसा रहा एक्सपीरियंस अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा के साथ काम करना? बहुत बढ़िया सर, मतलब काफी कुछ सीखने को मिला है सर, लेकिन देखो काम तो सेम ही रहता है सर, कैमरा के आगे लैंग्वेज का फर्क था, यहाँ पे पंजाबी बोलता हूँ और वहाँ पे हिंदी, तो लैंग्वेज का फर्क था, एक्टिंग तो सर सेम ही रही, और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया सर, प्राउड फील होता है, मतलब ऐसी फिल्में करने को जब मिलती हैं तो बहुत बड़ी चीज होती है सर, मतलब 83 में भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और कुछ में भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यही सर मेरी ख्वाहिश थी जब छोटा सा था, तो मतलब बहुत सर पॉजिटिव था, मतलब सेट पे भी, और अभी फिल्म रिलीज हो गई है तो अब रिव्यूज पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं एज एन डेब्यू, मतलब बहुत बढ़िया रहा मेरा, जितने भी मैंने रिव्यूज पढ़े हैं तो सबको अच्छा लग रहा है काम सर, होपफुली आगे आने वाले समय में भी सर उम्मीद करता हूँ सही काम करूंगा और लोग अप्रिशिएट करेंगे। आपका जो बिग बॉलीवुड लॉन्च था 83 का, वो डिलेल हो गया था कोरोना वायरस की वजह से। जी 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 सर। आपकी पिक्चर लिटरली एक हफ्ता दूर थी जब ट्रेलर रिलीज होना था 83 का, और वो दैट वाज पुट ऑन होल्ड। आप ऑफ कोर्स प्ले कर रहे हैं बलविंदर संधू 83 में, कैसा रहा एक्सपीरियंस 83 में काम करने का? क्या आप टच में हैं आपके बाकी के साथी कलाकारों के साथ, और कैसा रहा रणवीर सिंह के साथ काम करने का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया सर, मतलब वो इतने एनर्जेटिक और इतने प्यारे बंदे हैं आप सोच भी नहीं सकते, रणवीर बाजी, मतलब वो सबको, हम 14 या 15 जने थे और मतलब पूरी टीम तो ऑलमोस्ट सर 80-100 बंदों की होगी जो फिल्म के लिए इंग्लैंड के हुए थे, हम यहाँ पे भी जो शूट किया हमने कबीर सर के साथ, सारी असिस्टेंट लगा लो आप, जो स्टार कास्ट थी सारी, वो जीवा बाजी हो गए डाउन साउथ से हैं, वो साकिब सलीम, हाड़ी संधू हमारे साथ पंजाब से हैं, तो मतलब सारे ही बंदे जितने भी थे फिल्म में इतनी सर पॉजिटिविटी से रहे हैं, आप सोचो सर 14 बंदे हैं, किसी एक का तो मतलब मेंटेलिटी लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का नहीं हुआ सर, सब ऑन सेम लेवल विद कबीर सर, विद रणवीर सिंह, एवरीवन, तो मतलब इतनी पॉजिटिविटी के साथ सर मैंने आज तक पंजाब में भी काम नहीं किया, मतलब जितनी वहां पे थी, तो मतलब हर चीज टाइम पे सर, मतलब हर चीज टाइम पे शुरू हो रही थी और टाइम पे खत्म हो रही थी सर, और वो चलो रिलीज नहीं हो पाई टाइम पे, होपफुली सर वो भी अगर आगे, मतलब सब पंजाबी बोलते हैं सर रब दे हाथ है सारा कुछ, तो वो भी सर टाइम आएगा जो मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिल्में दोबारा से अच्छे तरीके से रिलीज होगी और बड़ी रिलीज होगी सर। किसके साथ टच में है 83 के कास्ट में? सारी सर सारे सबके साथ टच में है सर, सबके साथ बात होती है, निशांत है, मतलब साकिब सलीम, हार्डी तो हमारे है ही पंजाब से घर पे है, जीवा फ्रॉम डाउन साउथ, सबसे बात होती है सर, ग्रुप बने हुए हैं। जो ना ये लगता है ये साल 2021 एमी विर का साल है, पुवाड़ा सुपर हिट हुई, बहुत अच्छी चल रही है, और हाल ही में आपकी सेकंड पंजाबी फिल्म जो है अभी जो आ रही है किस्मत 2 का टीजर रिलीज हुआ है, जी, वो जी, फिल्म किस्मत 1 का पार्ट है जिसमें आपकी को स्टार किस्मत थी की जो हीरोइन थी सरगुन मेहता है जी। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद लगता है ये एक लव स्टोरी है जो यूके में सेट है, वुड यू लाइक टू टेल अस मोर अबाउट किस्मत 2? सर मतलब आधी पंजाब में और आधी इंग्लैंड में फिल्म, तो मतलब किस्मत 1 के साथ रिलेट नहीं कर रहे फिल्म, और लेकिन ये अलग से स्टोरी है, लेकिन है मतलब ऐसे ही, मतलब आप जैसे वो सैड रोमांटिक थी पहले वाली पिक्चर, ये सेम ही है, मतलब इसमें कॉमेडी भी आपको देखने को मिलेगी, रोमांस भी देखने को मिलेगा, और जो दर्द पहली फिल्म में था, तो मतलब काफी चीजें आप लगा लो सिमिलर होने वाली हैं, लेकिन मतलब एक जेनर सेम होगा फिल्म का, तो स्टोरी अलग है सर, बाकी हर चीज अलग है, गाने नए आएंगे इस बार आपको, मतलब जानी और बी प्रैक सेम है जिन्होंने पहली बार गाने किए थे, इस बार भी सेम बंदे म्यूजिक कर रहे हैं, बाकी सर कास्ट ऑलमोस्ट सारी सेम है और डायरेक्टर राइटर सेम है, तो मतलब बहुत ही सर बड़ी फिल्म है, मेरी लाइफ की लगा लो आप, और मतलब हर बंदे को वेट है, पंजाब के हर बंदे को, नॉट इवन पंजाब, मतलब दिल्ली लगा लो आप, यहाँ यहाँ भी पंजाबी बैठे हैं जिनको पंजाबी समझ आती है, उस हर बंदे को सर किस्मत 2 की वेट है। एमी कभी ऐसा हुआ है कि आप ड्यूरिंग द इमोशनल सीन्स आप खुद ही आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं या आप इमोशन हो जाते हो सेट पे? सर होता है सर, तभी मतलब सक्सेसफुली सीन तब हो पाते हैं अगर आप खुद मतलब अंदर से आप रिलेट करते हो उस चीज के साथ। किस्मत 1 का था जब क्लाइमैक्स था किस्मत का, तो उसमें जब सरगुन की डेथ होती है तो उसमें था काफी,
सो सर मतलब अंदर से ही आपको मैक्स टू मैक्स करना। 83 में थे एक दो सीन्स, तो 83 में बहुत इमोशनल, 83 में सर जब हम फाइनल सीन कर रहे थे वो ट्रॉफी वाला लास्ट में, और जब ट्रॉफी मिलती है तो लॉर्ड्स की बालकनी में, तो तब सर वहां पे ऑलमोस्ट सारे रणवीर पाजी, कबीर सर, हार्डी, संधू, साकिब, एवरीवन वाज क्राइंग, लिटरली एवरीवन वाज क्राइंग। तो वो बहुत इमोशनल मोमेंट था। और भी काफी मतलब फिल्मों में रहता है सर, मतलब काफी चीजें रहती हैं ऐसी सर, इमोशनल हो जाता था। प्लीज क्या आप हमारे लिए दो लाइनें गाएंगे आपके पॉपुलर ट्रैक किस्मत की? किस्मत बदल दी वेखी मैं, जग बदलदा वेखिया मैं, बदल दे वेखे अपने मैं, रख बदलदा वेखिया, सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, चल चल भी जावांगी जे हुण तू भी बदल गया, मैं ते मर ही जावांगी, जे हुण तू भी बदल गया, मैं ते मर ही जावांगी। थैंक यू सर। Awesome. You know, एमी, आपके चेहरे को देख के, आपकी एक्टिंग को देख के ऐसा लगता है आप में एक इनोसेंस है जो आपकी यूएसपी है. बहुत मासूमियत है आपके चेहरे में, आपकी हंसी में. यू नो, चाहे आपकी फिल्म हो निकाह जेलदार सीरीज या बम्बू काट या अंग्रेज, क्या आपको डाउट था जब आपने अंग्रेज साइन की? बिकॉज वो कैरेक्टर में थोड़ा ग्रे शेड्स हैं. जी नहीं मतलब ऐसा नहीं था सर, मतलब तब तो सर मेरे को पता ही नहीं था एक्टिंग होती क्या है, पता तो खैर अभी भी नहीं सर, मैं ज्यादा मतलब जाता नहीं हूँ उसमें डीपली, सोचता नहीं हूँ ज्यादा एक्टिंग करने की वजह, जब करता हूँ तब भी। तो सर तब मैंने कुछ नहीं सोचा था, जब साइन वाइन सर था वो, तो साइन तो अभी भी नहीं होते सर हमारे यहाँ, साइन वाइन नहीं होता सर कुछ, वो तो जुबान पे चलता है काम, अगर करनी है भाईचारे में कर लेते हैं सर। तब जब अंबरपा जी ने मेरे को सुनाई फिल्म ऐसी, तो मैं बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, और बोले ठीक है, मैं उठ के चला गया। तो अगले दिन मैंने फोन किया, मैंने बोला भी कब आना है शूट पे, कब आना, वो बोले भी मेरे हमें लगा अभी तेरे को फिल्म पसंद नहीं आई। मैं कहा मेरे को पता ही नहीं कैसे सुनते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, मेरे को आप जो बोलोगे मैं करूंगा, मेरे को हंसने के लिए बोलोगे मैं हंसूंगा, आप डायलॉग बोलने के लिए बोलोगे कैसे बोलना मैं वैसे बोलूंगा। तो अंबर भाजी जैसे जैसे ऐसे ऐसे बोली गए वो फिल्म में सर, मैं वैसा वैसा कर ही गया। और फिल्म सर उसका मतलब जो मेरा करेक्टर था उस फिल्म में वो सर बहुत ही सुपरहिट रहा, और जनरली वो फिल्म भी बहुत बड़ी सुपरहिट रही थी, अमरिंदर पाजी की फिल्म थी वो, उस फिल्म में सर काफी ट्रेंड सेट किया। उसके बाद पीरियड फिल्में बनने लगी पंजाब में, राजस्थान जाके करते थे हम, जहाँ पे कच्चे गांव होते थे, कच्चे घर होते थे। सो उस फिल्म में सर सारा कुछ दिया, उसमें डेब्यू, डेब्यू के बाद एक आध फिल्म में और मैंने सेकंड लीड काम किया, और उसके बाद बम्बू घाट में जाके सर मैं डेब्यू कर लिया था मैंने एज एन सोलो। वो फिल्म का साउंड ट्रैक बहुत अच्छा था. आपका कोई फेवरेट गाना है अंग्रेज से? तो सारे गाने फेवरेट है उसमें, आप देखे होंगे आपने क्लाइमेक्स में गाना, क्लाइमेक्स से पहले गाना देखा होगा एक, वो टप्पे था हमारा, मेरा और अमित त्रिपाठी का। उसके बाद उनका सैड सॉन्ग था एक, जद मिलके बैठांगी तंगलना बहुत करनी ने, एक और सैड सॉन्ग था सारी उम्र लगा लूंगा तेनू चीते का करके, सर सारे गाने उस फिल्म का सर म्यूजिक एक ट्रांसलेटर था सर। जब वो फिल्म रिलीज हुई तो हैप्पी रायकुटी के गाने थे काफी लिखे हुए, तो जितेंद्र शाह जी का म्यूजिक था, मतलब बहुत ही मतलब बढ़िया सेटअप था। पंजाबी सर मतलब म्यूजिक तो जान रहता है पिक्चर की, हमारी किस्मत का देखो आप पहली फिल्म का, उसमें ब्रैकी बाजी के जितने गाने सारे के सारे सुपरहिट, मेरा एक मतलब बीट सॉन्ग था वो भी सुपरहिट, किस्मत टू सर उससे भी बढ़िया है म्यूजिक। पहले सर गाना ही आएगा अभी 24 को, पहले गाना रिलीज करेंगे उसके बाद दूसरा गाना, फिर ट्रेलर करेंगे सर। म्यूजिक तो बड़ा रहता ही है सर पंजाबी फिल्मों का। तो कोई गाना आप सुनाना चाहेंगे या अंग्रेज से या किस्मत से? किस्मत टू का नहीं सुना पाऊंगा सर, किस्मत वन का सुना देता हूँ आपको। जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा, रूह मेरी तड़पेगी जानी दिल भी रोएगा, मेरा भी जी नहीं लगना तेरे बिन मर जाऊं सजना, मैं पागल हो जाना मैं भी ते खो जाना, ये तेरी मेरी टूट गई है वे रब भी रोएगा, जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा, रूह मेरी तड़पेगी जानी दिल भी रोएगा, हाँ दिल भी रोएगा। थैंक यू सर। ये जानी जो है ये राइटर है पंजाब जी से, राइट? जी 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 इजी अ हार्टब्रेक किड क्या उनका बोल सर आप जब सारे लिखते भोपाल हैं? में आएंगे, आप जब आपके साथ इंटरव्यू करेंगे तब आप उनसे पूछिए, लेकिन सही बात है सर, मतलब जितने भी दिल टूटे वाले बंदे होते हैं वो सबको रिप्रेजेंट करता है, ऑलमोस्ट हर गाने में वो रुलाता है। वीडियो में रविंद्र खैरा रुला देता है ना, नवजीत पुट्टर पंजाब के दो वीडियो डायरेक्टर्स हैं वो मतलब रुला देते हैं वीडियोज में। सो सर बहुत ही बड़ा राइटर है, बहुत ही बड़ा राइटर है जेन्युइनली।
फाइनली एमी, व्हाट इज द फ्यूचर प्लान? क्या आगे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? सर अभी तो बस ये 83 रिलीज होगी, 83 के बाद सर अभी भोजी रिलीज होगी है इसकी। सर मेरे को मतलब बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। अगर आप चेक करो, अगर रिव्यूज भी देखते हो आप बॉलीवुड की, काफी मतलब क्रिटिक्स ने रिव्यूज डाले हैं, तो सबने प्रेज किए सर मेरे काम की। तो होपफुली आगे भी मतलब जितना भी आगे काम आएगा, और अगर मतलब अगर फिल्में आती हैं तो फिल्में ठीक होंगी सर, नहीं तो मतलब वेब सीरीज भी आएगी, तो सर होपफुली स्क्रिप्ट अच्छी हो सर, डेफिनेटली बढ़िया काम करेंगे सर आने वाले टाइम में। फिलहाल अभी सर कुछ नहीं किया साइन तो बॉलीवुड ऑफर्स आ रहे हैं? सर। अभी मैं ऐसे झूठ बोलता हूँ सर, मतलब इतने ज्यादा नहीं है, मतलब ठीक ठाक दो चार आए थे सर उसमें, तो अभी कुछ आगे एक दो ऑडिशन भी भेजे हैं, होपफुली वो डन हो जाएंगे और मतलब अच्छी न्यूज आएंगी सर। चलिए, उम्मीद करते हैं विल सी यू मोर इन हिंदी फिल्म्स एंड आल्सो इन पंजाबी फिल्म्स। थैंक यू सो मच फॉर टाइम एंड ऑल द थैंक बेस्ट। यू सर, ब्लेस यू सर, थैंक यू सो मच, सत थैंक श्री यू सो अकाल, मच। सत थैंक श्री यू। अकाल।